शुरू करते हैं हम क्लास आज की। सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चे करके लाए हैं क्या? हाँ, पहले कर लिया था। चलिए क्या कर रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि राजू और जय ने क्या किया, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया किस डेट को बेटा? 1 अप्रैल 2017 को। उनके बीच में क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है, ना तो ओरल है और ना ही रिटर्न। अब ये गलत लिखा है क्वेश्चन में, ओरल भी नहीं होगा रिटर्न भी नहीं होगा तो पार्टनरशिप ही नहीं हो सकती। एग्रीमेंट तो जरूरी है ना, बिना एग्रीमेंट के तो क्या नहीं है, पार्टनरशिप होना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फॉर द सेफ साइड हम इसमें से क्या कर देंगे, ये ओरल को काट देंगे। केवल हम ये मानते हैं उनके पास क्या नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। क्लियर? आगे लिखा है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। कितना पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने? ₹4 लाख और ₹1 लाख। इसके अलावा राजू ने क्या दिया हुआ है, ₹2 लाख का लोन भी दिया हुआ है फर्म को। 1 अक्टूबर 2017 को दिया। राजू का एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2017 को और वो बिजनेस में 30 सितंबर तक नहीं आ पाया। फर्म के प्रॉफिट कितने हैं? 50,600 के। कितने बेटा फर्म के प्रॉफिट? 50,600 के। अब उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, अब राजू ने क्या क्लेम किया कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए। किस रेट से? 10% पर एनम से। और राजू का दूसरा क्लेम क्या है कि प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, कैपिटल रेशियो में क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को डिवाइड भी करना चाहिए। इसके अलावा जय का क्या क्लेम था कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करो इक्वली, और उसको ₹1,000 का रेम्यूनरेशन तो राजू की जब बीमार पड़ा था उस समय पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों 6% परिणाम। अब वो क्या करना है, केवल करेक्ट पोजीशन बतानी है हर इशू पर। किसके अकॉर्डिंग? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात पूछी है। तो देखो बताओ, क्या राजू का पहला वाला क्लेम वैलिड है क्या? क्या लिख देंगे हम इसके लिए कि नो, राजूज क्लेम इज नॉट वैलिड एज द इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड ओनली एट द रेट 6% पर एनम। लिख लिया होगा सबने? सबने लिख लिया होगा ना आंसर? तो सबका ठीक है। दूसरी बार कर रहे हैं क्वेश्चन हम इसी तरह का। दूसरा क्लेम क्या था कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटो, ये भी गलत है। ये क्लेम भी क्या नहीं है उसका, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है, इक्वली। और जो जय के क्लेम थे उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, जय ने क्या मांगा था कि प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करो, तो जय का ये क्लेम क्या था, सही था, क्योंकि प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जय का दूसरा क्लेम क्या नहीं था, वैलिड नहीं था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मांग रहा था और किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है। ये भी क्लियर है। उसके अलावा जय ने क्या कहा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो 6% और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो 6%। तो जय का ये क्लेम क्या था, पार्शियली वैलिड, आधा सही और आधा गलत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें किसी को? कंफर्म? चलिए आगे बात करें बेटा अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी किया हुआ है ना सबने? क्वेश्चन नंबर 9 सबने किया हुआ है ना। रीना और रमन पार्टनर है, कैपिटल है 3 लाख 1 लाख, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,80,000। बिफोर पेइंग रेंट फॉर हर बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग टू बी यूज्ड एज गोडाउन टू द फर्म, रीना को कितना पैसा देना है, ₹5,000 पर मंथ। तो क्या देना है बेटा, रेंट देना है। किसको देना है? रीना को। और रीना को रेंट देना कितना है, ₹5,000 पर मंथ। कितना रेंट देना हो गया उसको, 60,000। अब रेंट आ गया तो क्या आ गया फिर, मेमोरेंडम पी एंड एल अकाउंट तो अपने आप ही आ गया ना बेटा। तो क्या दे रखा है हमें, बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्या बेटा, कितना है, 1,80,000 टू रेंट टू
रीना 60,000, और बचा हुआ पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000। है कोई दिक्कत? और क्या करना था इसके अंदर? वर्किंग नोट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? कितनी है रिनाई कैपिटल? 3 लाख का कितना परसेंट? 6%। कितना आ जाएगा? 18,000। रमनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख। और 1 लाख का कितना परसेंट? कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ी ना करवाया तुमको पहले, हो गया नहीं अभी? चलिए आगे देखिए, अब क्या बनाना है इसके अंदर? P&L अप्रोप्रिएशन ही बनाना है ना। क्या लिखोगे सबसे पहले? बाय P&L अकाउंट। कितना लिखेंगे बाय P&L? 1,20,000। क्या क्या एडजस्टमेंट है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रीना और रमन। कितना है रीना का और रमन का? 6,000। टोटल 24,000। फिर क्या है बेटा? टू सैलरी टू रमन, ये कितनी है? कितनी है रमन की सैलरी? 30,000। और भी कुछ है क्या एडजस्टमेंट के नाम पर? और भी कुछ है क्या? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है क्या? है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीना और रमन। कितना है बेटा? 1,500। कितना हो गया टोटल? 1,500। ठीक, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीना और रमन, टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1,21,500। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 67,500। रेशो क्या है इनका? इक्वल। कितना कितना आ जाएगा? 33,750 और 33,750। बस यही पूछा है ना इसमें, या और भी कुछ पूछा है? कन्फर्म? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो सलोनी और सृष्टि दो पार्टनर हैं, हमें उनकी कैपिटल दे रखी है फर्स्ट अप्रैल 16 को 2 लाख और 3 लाख। 1 जुलाई 16 को सलोनी ने एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 और सृष्टि ने लगाई 60,000, पहली बार चेंज। दूसरी बार 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रू किए कितने बेटा? 30,000। सलोनी का 3 बार हो गया है ना। और 1 जनवरी को सृष्टि ने विड्रू किए कितने? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, सबने सॉल्व किया होगा। सबसे पहले हम बात करें बेटा किसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सलोनी की। सलोनी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख पर इंटरेस्ट रेट कितनी है? 8%। और ये 2 लाख कितने मंथ रही? 3 मंथ ही रही ना, इंटू 3/12 कितना आ जाएगा? 4,000। अब सलोनी ने क्या किया 1 जुलाई को? कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितनी? 50,000। तो अब कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 2,50,000, 8%। ये कब तक रही? जुलाई से सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में वापस इसने चेंज कर दी। ये भी कितने मंथ रही फिर? 3 मंथ्स। और ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा बताओ फटाफट? 5,000। और अब कैपिटल कितनी हो गई? उसने अब क्या किया? विड्रू किया है। कितना पैसा विड्रू किया है? 30,000। तो अब कैपिटल कितनी रहेगी? 2,20,000। इंटरेस्ट रेट वही 8%, पूरे रिमेनिंग टाइम मतलब 6 महीने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 8,800। तो इस तरह से सलोनी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बेटा? किस किस का? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब बात करें बेटा किसकी हम? सृष्टि की। तो
तो सृष्टि की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 3 लाख का कितना परसेंट? 8%, ठीक है ना? कितने मंथ का? इसका भी 3 मंथ का। कितना आ जाएगा? 6000। अच्छा, अब कैपिटल ने क्या किया? ओ सॉरी, सृष्टि ने क्या किया? 60,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए ना, तो सृष्टि कैपिटल कितनी हो गई? 360,000, वही 8 मंथ के लिए। वो 8% से कितने मंथ के लिए? अब अगला चेंज कब होगा? जनवरी में। तो ये कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। कितना आ जाएगा बताओ? 14,400। वेरी गुड। और अब क्या किया है सृष्टि ने? 15,000 रुपये विड्रू कर लिए, तो कैपिटल कितनी रह गई? 3,45,000। 8% वही, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, रिमेनिंग टाइम के लिए। कितना आ जाएगा? 6,900। टोटल कितना हो गया? 27,300। ठीक है, बिल्कुल है ना, सही है सबका? कौन कौन पार्टनर है? जोश और क्रिश। किस रेशो में? 3:1 में। कैपिटल कितनी है उनकी? 1,50,000 और 75,000। देखो ध्यान देना, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो मतलब ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। जोश की ड्रॉइंग कितनी है? 20,000 और क्रिश की 5,000, जो कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो चुकी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 16,000, और ये भी क्या कर चुके हैं हम? डेबिट कर चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मतलब बांटा जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा क्रिश 16,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल भी लाया है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी होगी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन? क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी बेटा जोश की? 1,50,000 और क्रिश की क्या ऐड करेंगे इसमें अपन? ड्राइंग्स कितनी दे रखी है जोश की ड्राइंग? 20,000 और क्रिश की 1,70,000 और 80,000। क्या लेस करोगे बेटा? प्रॉफिट कितना था टोटल प्रॉफिट? 16,000। किस रेशो में डिवाइड कर चुके हैं? 3:1 मतलब 12,000 और 4,000। कितना बचा? 1,58,000 और हो गया क्या खत्म? आ गई ओपनिंग कैपिटल? नहीं आई ना। क्या और लेस करना पड़ेगा? एडिशनल कैपिटल, वो भी हमें लेस करनी पड़ेगी। किसकी है एडिशनल कैपिटल? केवल क्रिश की। कितनी है? 16,000। तो अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? 1,58,000 जोश का और 60,000 क्रिश का। और क्या होगी बेटा ये? ओपनिंग कैपिटल। है कोई डाउट इसमें? अब क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, सबसे पहले जोश कितनी थी? 1,58,000 और इसने तो पूरे साल कोई चेंज किया नहीं, इसलिए इसका तो पूरे साल का 12% इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना आएगा? 18,960। क्रिश की कैपिटल इनिशियल कितनी थी? 60,000। तो 60,000 का कितना परसेंट? 12%। कितने मंथ का? क्यों? क्योंकि अक्टूबर में क्या लिया है वो? एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। कितनी लाया एडिशनल कैपिटल? 16,000। अब हो गई 76,000। ये भी 12%। कितने मंथ का? 6 मंथ का। ये कितना आ जाएगा? 3,600। और ये कितना आएगा बेटा बताना?
8160 किसके साथ सही है? डीपीपी नंबर एट का क्वेश्चन नंबर वन, इसके अंदर चार ऑप्शंस हैं, मगर अभी क्वेश्चन अपने आप में फोर क्वेश्चंस की तरह क्या करना है अपने को सॉल्व करना है। डीपीपी नंबर वन क्या क्या आ रहा है हमसे ध्यान देंगे आप कि अनुपम और अभिषेक दो पार्टनर हैं, किस रेशो में? 3:2 में, ठीक है। हमें उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं कितने, अनुपम का 1,50,000 और अभिषेक का 2 लाख। किस डेट को है ये? 1 जनवरी 2017 को, मतलब ये जनवरी टू दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर हमको मान के चलना है। आगे लिखा है शो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। केवल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है अलग अलग कंडीशंस में। कंडीशन नंबर वन, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या है वो साइलेंट। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 50,000। क्या आंसर होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू द पार्टनर्स। द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल हाउएवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियस ही बात है, क्या नहीं करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। कोई दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। देना है पार्टनरशिप डीड, क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 8% पर एनम से, लेकिन फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लॉस के केस में भी नहीं दिया जाएगा, तो पॉइंट नंबर बी में हम क्या लिख देंगे बेटा, ध्यान देंगे आप, पॉइंट नंबर बी में क्या लिख दिया जाएगा कि एज द फर्म हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। द फर्म्स लॉस विल हाउ एवर बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा ही नहीं है। क्वेश्चन ने केवल क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमसे बात कही है कि सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, कैलकुलेट करो, यही कहा है ना हमसे। चलिए ये चीज क्लियर हो गई आगे। अब केस नंबर थर्ड में देखते हैं क्या लिखा है बेटा। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा है। चलिए देखते हैं अपन इसके अंदर अब क्या करना चाहिए हमें। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चाहिए हमें। अनुपम की कैपिटल कितनी है बेटा? कितनी है अनुपम की कैपिटल? 1,50,000 का कितना परसेंट? 8%। कितना आ जाएगा? 12,000। और अभिषेक की कैपिटल कितनी है बेटा? 2 लाख। और 2 लाख का कितना परसेंट? 8%। कितना हो जाएगा? 16,000। टोटल 28। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 50,000। तो आराम से ये हम दे सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। हो गया क्वेश्चन। एक और ऑप्शन बचा है, कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, पढ़ते हैं ध्यान से कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने प्रॉफिट केवल कितना कमाया है? 14,000। तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देते हैं हम ऑप्शन नंबर डी में। सबसे पहले क्या करें, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 1,50,000 का 8% मतलब 12,000। और यहां पर 2 लाख का 8% कितना आ जाएगा? 16,000। टोटल 28,000। अब यहां दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि अवेलेबल प्रॉफिट्स, सो हियर अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
है ना, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो इस केस में क्या होगा कि हम प्रॉफिट को डिवाइड किस में करेंगे, अनुपम और अभिषेक में, कौन से रेशो में, 12,000 रेशो 16,000 में, जो क्या हो जाएगा 3:4। तो इस केस में अनुपम को कितना मिलेगा फिर, 14,000 इंटू 3/7, और अभिषेक को 14,000 इंटू 4/7 कितना आ जाएगा बताइए, 6,000 और 8,000। और ये दोनों किस वे में मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ही इनको ये पैसा दिया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट। रानी और सुमन दो पार्टनर हैं और हमें उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है बेटा कितनी, 80,000 और 60,000। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 रानी ने कितना पैसा विड्रू किया है, 10,000, और सुमन ने 15,000। अच्छा ये पैसा कहां से विड्रू किया है, फ्रॉम हर कैपिटल। अब कैपिटल में से विड्रू किया है तो क्या बन जाएगा, ये परमानेंट रिडक्शन, क्या बन जाएगा बेटा, ये परमानेंट रिडक्शन बनेगा नहीं बनेगा, कैपिटल में से विड्रू किया है तो क्या बनेगा बेटा, ये परमानेंट रिडक्शन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें, अच्छा। और सुमन ने 15,000, सुमन ने कितना पैसा विड्रू किया है, 15,000। आगे देखते हैं, प्रॉफिट कितना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50,000। रानी और सुमन प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करती है, 3:2 में। क्या पूछा है आपसे, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल किस रेट से, एट द रेट 12% पर एनम। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट बताइए बेटा। सबसे पहले रानी की कैपिटल कितनी थी, 80,000, तो 80,000 का कितना परसेंट, कितना परसेंट, 12%। कितने मंथ का हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर हम लॉजिक लगाएंगे, बार बार मैं फिर कह रहा हूं लॉजिक लगाएंगे, रूल नहीं लगाएंगे। परमानेंट ड्यू किया है ना, तो कैपिटल कमी हुई है, कैपिटल में क्या हुआ है चेंज, लेकिन कब चेंज किया है वो दिया नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 6 मंथ का एक क्राइटेरिया यहां पर लेकर चलेंगे, क्योंकि लॉजिक हमारा यही कहता है। लॉजिक क्यों कहता है, क्योंकि आपने जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखा था उस समय हमने एक बात कही थी कि फर्स्ट डेट नहीं होनी चाहिए, लास्ट डेट नहीं होनी चाहिए, बीच की कोई भी डेट होगी उसको क्या माना जाएगा, मिड में ही मान लिया जाएगा। उसी लॉजिक से यहां पर भी हमने क्या माना है, इसको मिड ऑफ द ईयर ही माना है। कितना आ जाएगा बताइए, 4,800। अब कैपिटल में से कितना रिडक्शन हो गया, कैपिटल में से रिडक्शन कितना हो गया, 10,000। कैपिटल कितनी रह गई, 70,000 का कितना परसेंट, 12%। कितने मंथ का, 6 मंथ का। कितना हो जाएगा, 4,200, टोटल 9,000। किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा, रानी का। इसी तरह सुमन की बात करें, सुमन की इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 60,000 का कितना परसेंट, 12%, ये भी 6 मंथ का, क्योंकि कैपिटल में रिडक्शन तो यहां भी हुआ है। कितना आ जाएगा, 3,600। सुमन की कैपिटल कितनी कम हुई है, 15,000, तो कितनी रहेगी कैपिटल, 4,500। तो 4,500,000 का कितना परसेंट, 12%, ये भी कितने मंथ का, 6 मंथ का। कितना आ जाएगा बेटा, 2,700, टोटल 6,300। ये लो साहब, आगे देखते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रिया और काजल दो पार्टनर हैं 5:3 में, उनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, प्रिया का 6 लाख, काजल का 8 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 1,26,000। क्या करना है आपको, कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो क्या बना दे, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दे, और कुछ करना ही नहीं है अपने को। क्या लिख देंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट 1,26,000। कितना आ जाएगा, 1,26,000, और इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है बेटा, प्रिया और काजल। कितनी है, कितना आएगा रेशो में, डिवाइड करो, 78,750, और काजल का
47,250, 1,26,000. ठीक है, और पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है बेटा यहां पर कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 12%. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो सबसे पहले क्या करें, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. प्रिया का कितना आएगा, कैपिटल कितनी है प्रिया की, 6 लाख का कितना परसेंट, कितना हो गया 72,000. काजल की कैपिटल कितनी है बेटा, 8 लाख, और 8 लाख का कितना परसेंट, कितना आ गया, टोटल कितना हो गया 1,68,000. अब ये गड़बड़ हो गई, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन होता है. क्या होता है ये, एप्रोप्रिएशन. याद रहे एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब, केवल प्रॉफिट में से दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा. अब ये एप्रोप्रिएशन है, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, केवल 1,26,000. तो इस स्थिति में क्या करते हैं अपन, डिवाइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले रेशो में डिवाइड करते हैं ना. क्या लिखेंगे हम यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके तरह जाएगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तरह बढ़ेगा, किस किसके बीच में, प्रिया और काजल के बीच में, कौन से रेशो में, 72,000 रेशो 96,000, जो क्या हो जाएगा 3:4 में. इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे. तो इसका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, बाय पीएनएल अकाउंट 1,26,000 इधर से, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिया और काजल, कितना आएगा बेटा डिवाइड करो, कितना कितना आएगा, 54,000 और 72,000, हो गया टोटल 1,26,000. किस किस का बिल्कुल ठीक है ये, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जॉन इब्राहिम, एक ही नाम है ना, ए पार्टनर इन मॉडर्न ट्रेवल्स टूर्स एंड ट्रेवल्स विड्रू मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज. ठीक है, उसने पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम. सिचुएशन नंबर 1, ही विड्रू ₹3,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. कितना पैसा विड्रू किया बेटा उसने, 3,000 पर मंथ, रेट क्या थी 9% थी ना, 9% इन द बिगिनिंग मतलब 6.5/12, यही होगा ना, कितना आ जाएगा 1,755. क्लियर फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है ध्यान देना, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, इफ एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ वॉज विड्रून बाई हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ. अब की बार एंड आ गया, एंड आ गया तो ड्रॉइंग कैसे निकलेगा ध्यान देना, 3,000 इंटू 12 इंटू 9/100 और इंटू 5.5/12, कितना आ जाएगा 1,485. ये भी कंप्लीट है, दोनों ऑप्शन सही है अपने. ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बात करें, क्या लिखा है यहां पर, इफ द अमाउंट्स विड्रून वर ₹12,000 तो 1 जून को, ₹8,000 31 अगस्त को, ₹3,000 30 सितंबर को, ₹7,000 30 नवंबर को, और ₹6,000 31 जनवरी को. अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रू किया है उसने. तो अब यहां पर कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड हमें यहां पर यूज में लेना पड़ेगा. लेते हैं अपन प्रोडक्ट मेथड. क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेट ड्रॉइंग्स मंथ और प्रोडक्ट. देखो सबसे पहले कौन कौन सी डेट को उसने अमाउंट विड्रू किया है, डेट कौन कौन सी है, सबसे पहली डेट 1 जून, सेकंड डेट
31 अगस्त, नेक्स्ट 30 सितंबर, नेक्स्ट 30 नवंबर, 30 नवंबर है ना, और उसके बाद है 31 जनवरी। शायद आपकी बुक में ना 31 नवंबर लिखा हुआ है या 30 नवंबर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। और उसके बाद क्या है बेटा, 31 जनवरी, ठीक है ना। अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया है, यही है ना, 31 जनवरी तक ही है ना। अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया है, 12,000, 8,000, 3,000, 7,000 और 6,000, क्लियर। 31 मार्च को एंड हो रहे ना, तो मंथ कितने आएंगे, 1 जून से 10 मंथ, फिर 7 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 4 मंथ और 2 मंथ, ठीक। प्रोडक्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1,20,000, फिर 56,000, फिर 18,000, 28,000 और 12,000। अब क्या निकाल देंगे हम, टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा, 2,34,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट कितनी है, 9%, 9/100 इंटू 1/12। सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 1755। ये लो भाई, ये आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। देखिए, मनु, हैरी और अली 3 पार्टनर है, हैरी का और अली का हमें कुछ ड्राइंग्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है, रेट क्या है, 10%। और देखो अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, हमेशा 31 दिसंबर को, ये ध्यान रखना, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, मंथ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, हैरी की, वही डेट ड्रॉइंग्स मंथ और प्रोडक्ट, क्या क्या डेट है बताओ बेटा, सबसे पहली डेट 1 अप्रैल, सेकंड डेट 1 जुलाई, थर्ड डेट 1 दिसंबर और 1 मार्च, नहीं तो 1 मार्च है तो 31 दिसंबर से कैसे होगा ये, नहीं 1 मार्च से ये हो ही नहीं सकता, 31 दिसंबर को हमें तो ईयर क्लोज करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है, तो उसको मार्च ही करो, अभी करना पड़ेगा क्वेश्चन चेंज, क्योंकि अलग अलग जगह इसने अलग अलग जानकारी हमें दी हुई है ना, 1920 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 31 मार्च ही हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अब ड्रॉइंग अमाउंट कितना कितना है, 5,000, 8,000, 5,000 और 4,000। मंथ कितने आएंगे, 12, 9, 4 और 1। प्रोडक्ट 60,000, 72,000, 20,000 और 4,000, ये आएगा ना बेटा। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 1,56,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा बेटा, 1,56,000, और रेट कितनी है, 10% और इंटू 1/12 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 1,300। ये किसका हो गया बेटा, हैरी का, किसका हो गया, ये हैरी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका आ गया, हैरी का। अब किसकी बात करें बेटा अपन, अली की, देखते हैं वही डेट ड्रॉइंग्स मंथ और प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, इसकी डेट क्या क्या है, सेम डेट है क्या,
फर्स्ट अप्रैल, फिर फर्स्ट जुलाई, फिर फर्स्ट दिसंबर और फर्स्ट मार्च। ड्रॉइंग का अमाउंट कितना कितना है? 7,000, 4,000, 5,000 और 9,000। मंथ कितने आएंगे? 12, 9, 4 और 1। कितना आ जाएगा? 84,000, 36,000, 20,000 और 9,000। टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा? 1,49,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी? 1,49,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा? 1,241.67 उसको फिर हम लिख देंगे। क्लियर? किस किस का ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुछ ड्राइंग्स हमें दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटर में कौन सा मेथड यूज होगा यहां पर? क्यों होगा? क्योंकि पहले दो सिचुएशन जिसमें ड्राइंग का अमाउंट और ड्यूरेशन क्या है अलग अलग है, वहां भी दो मेथड बताए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्यों? क्योंकि कई सारे हैं ना, कहां तक बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते रहेंगे। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हम एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले, बनाते नहीं बनाते, इस टेप के अंदर क्या क्या लिखते हैं इसके अंदर हम डेट, ड्रॉइंग्स, मंथ और प्रोडक्ट। आपको पहले भी मैंने बताया था, इफ दिस इज ए, इट इज बी, इट इज सी, देन इट इज डी, मतलब ए इंटू बी। क्लियर? सॉरी, बी इंटू सी। ठीक है ना? अच्छा, क्या क्या डेट दे रखी है पहले? 30th अप्रैल, सबसे पहले डेट डेट लिख लो, फिर 30th जून, फिर 30th सितंबर, फिर 31st दिसंबर और उसके बाद 31st जनवरी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना कितना है? 6,000, 4,000, 8,000, 3,000 और 5,000। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं हर साल? 31st मार्च को, तो 31st मार्च से कंपेयर करेंगे। 30th अप्रैल टू 31st मार्च कितने मंथ होते हैं बेटा? 11। 30th जून टू 31st मार्च 9 मंथ्स। 30th सितंबर टू 31st मार्च 6 मंथ्स। 31st दिसंबर 3 मंथ्स। 31st जनवरी 2 मंथ्स। कितना आ जाएगा प्रोडक्ट? 66,000, 36,000, 48,000, 9,000 और 10,000। क्या निकाल देंगे बेटा अपन? अब टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1,69,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 जो कितनी है 6/100 और इंटू 1/12 क्या आएगा सॉल्व करने पर? 845। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है। कोई डाउट इसमें? आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हैं देखो हमसे, कौन कौन पार्टनर है? राम और श्याम दो पार्टनर है इक्वली। राम क्या करता है? विड्रू करता है। कितना पैसा? 1,000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 15-16 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है किसका? राम का। हो जाएगा?
देखिए कितना हो जाएगा, कितनी की है राम ने ड्राइंग, 1000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 5%, और कब की है बिगिनिंग में, तो 6.5/12 क्या आ जाएगा, 325। कोई डाउट है इसमें भी? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, वर्मा और कॉल दो पार्टनर है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 6% पर एनम से। वर्मा ने कितना पैसा विड्रू किया, 2000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, है ना। ये क्वेश्चन सब पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है मैंने, है ना, थोड़ा सा लॉजिकली इसमें दिक्कत आ जाती है। और कॉल ने कितना विड्रू किया है, 3000 पर क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 19, ठीक है ना। हमें पार्टनर्स की ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसको बिगनिंग मान के कर दिया होगा या मिड मान के किया है ना, ये तो बता चुके हैं इसलिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखिए, वर्मा की ड्रॉइंग कितनी आ जाएगी बेटा, 2000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट क्या है बेटा, 6%, और मिड में हो जाएगा 6/12। कॉल का कितना हो जाएगा, 3000 क्वार्टरली, कितना हो जाएगा, 6/100 इंटू 6/12, कितना कितना आ रहा था, हाँ 720, और फिर 360 हो गया क्वेश्चन। ये लो भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है।